नागिन 4 का पहला एपिसोड कब आएगा और नागिन 4 के पहले एपिसोड में क्या खास बात होगी, और सबसे बड़ा सवाल यानी नागिन 4 में आपको मौनी रॉय यानी शिवांगी दिखेगी या नहीं, और यदि नागिन 4 में शिवांगी नहीं दिखी तो नागिन 4 में शिवांगी की जगह आखिरकार कौन दिखेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। हर किसी को नागिन 3 के खत्म होने के बाद नागिन 4 का काफी बेसब्री से इंतजार है, और उससे भी ज्यादा इंतजार और किसी का नहीं बल्कि मौनी रॉय यानी शिवांगी का है। और शिवांगी का इंतजार भी क्यों ना हो, और क्योंकि वो नागिन सीरीज की जान है और पूरा नागिन शो शिवांगी के बिना अधूरा है। और खुफिया सूत्रों की माने तो नागिन 3 और नागिन 4 की कड़ी शिवांगी के जरिए जोड़ी जाएगी, और नागिन 3 के अंत में शिवांगी का कनेक्शन और किसी के साथ नहीं बल्कि माहिर के साथ बड़े राज के साथ जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ नागिन 3 के अंत होने के 3 महीने के बाद नागिन 4 लॉन्च कर दिया जाएगा। और यह नागिन 4 के एपिसोड में सबसे खुशी की बात तो आपके लिए यह होगी कि नागिन 4 में माहिर एंड बेला की जोड़ी फिर से एक बार आपको नजर आएगी। लेकिन बुरी खबर तो आप लोगों के लिए ये है कि मौनी रॉय यानी शिवांगी बॉलीवुड मूवीज में काम करने की वजह से नागिन 4 में कम दिखाई देगी, और सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि एकता कपूर की वजह से ही मौनी रॉय यानी शिवांगी आपको नागिन 4 में दिखाई देगी। यानी मतलब एकता कपूर ना होती तो आपको शिवांगी भी नहीं दिखाई देती, इसीलिए हमें एकता कपूर मैम का काफी ज्यादा शुक्रिया मानना चाहिए। और नागिन 4 की स्टोरी सभी नागिन सीरीज से भी काफी ज्यादा दमदार और काफी ज्यादा देखने लायक होगी। सो आप यह नागिन 4 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, और आप नागिन 4 में बेला, माहिर एंड शिवांगी इनमें से किसे ज्यादा देखना पसंद करेंगे, ये हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।